दिवाकर सर, अबान ऑफशोर देखिए, बहुत बड़ा हुआ करता था किसी समय में, बहुत हाईज पे था, फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आई है अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो। और अभी कैसा दिख रहा है जी अबान ऑफशोर की अगर मैं बात करूंगा, नई पोजीशन बनाने की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है। दो टाइप के कंसोलिडेशन होता है, कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन दे रहा होता तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन दे रहा और वीक लग रहा है चार्ट पर, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस बता सकता हूँ, उसमें जो 42 रुपीज के नीचे क्लोजिंग आता है उसमें निकल जाना चाहिए, नई पोजीशन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफी लॉन्ग टर्म, अगर आप पिछले 7-8 साल का भी ट्रेंड देखें तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक में बॉटम फिशिंग ना करें, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट आ रहा है जहां पैसे बन सकता है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को इरोड ही करेंगे। इसमें हो सकता है जो इंटरमीडिएट बाउंस बैक आते हैं 2-5% बढ़ता है, न्यूज आता है, लोग वहां पर ट्रैप हो जाता है, तो स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी 7-8 साल की डाउन ट्रेडिंग जो ट्रेंड लाइन है उसको भी कभी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये राय अबान ऑफशोर पे दिवाकर जी की।